नमस्कार, आप देख रहे हैं जीओबी न्यूज। तो वक्त हो गया है सुबह की ताजा बड़ी खबरों को जानने का। तो उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दे, ताकि इसी तरह की आप सारी खबरों से रह सके अपडेट। तो जानते हैं आज की पहली बड़ी खबर। करोड़ों किसानों के लिए खुशखबरी, मोदी सरकार ने की खरीफ फसलों के लिए एमएसपी की घोषणा। यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने फसल वर्ष 2021-22 के लिए खरीफ फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्यों की घोषणा की है। सरकार ने फसल वर्ष 2021-22 के लिए धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी 72 रुपए बढ़ाकर 1,940 रुपए प्रति क्विंटल दिया है। पिछले साल यह 1,868 रुपए प्रति क्विंटल था। आपको बता दें कि नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि देश के किसानों की आय दोगुनी करने के लिए मोदी सरकार प्रतिबद्ध है। खरीफ विपणन मौसम 2021-22 के लिए सभी खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य को आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने मंजूरी दी है। देश के करोड़ों किसानों को इसका लाभ मिलेगा। एक अध्ययन में हुआ खुलासा, घरों में बिना मास्क बातचीत करने से कोरोना वायरस के फैलने का खतरा अधिक। जी हां, घरों में या फिर बंद कमरों में मास्क लगाए बिना बोलने और बातचीत करने से कोरोना वायरस संक्रमण फैलने का जोखिम सबसे अधिक है। एक अध्ययन में यह जानकारी सामने आई है। इस अनुसंधान में यह बताया गया है कि बोलते वक्त मुँह से अलग अलग प्रकार की श्वास बूंदें निकलती हैं और उनमें अलग अलग मात्रा में वायरस हो सकता है। अध्ययन के अनुसंधानकर्ताओं के मुताबिक सबसे चिंताजनक बूंदें वे हैं जिन का आकार मध्यम है और जो कई मिनटों तक हवा में रह सकती हैं। उन्होंने पाया कि ये बूंदें हवा के प्रवाह से ठीक ठाक दूरी तक पहुंच सकती हैं। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि हमने देखा है कि जब लोग बात करते हैं तो थूक की हजारों बूंदें उड़ती हैं, लेकिन हजारों बूंदें और होती हैं जिन्हें खुली आंखों से नहीं देखा जा सकता। बोलते वक्त निकलने वाली इन वायरस युक्त बूंदों से जब पानी भाप बनकर निकलता है तो वे धुएं की तरह कई मिनटों तक हवा में तैरते रह सकता है, जिससे कि अन्य के लिए जोखिम पैदा होता है। साउथ अफ्रीका की एक महिला ने एक साथ 10 बच्चों को दिया जन्म, तोड़ा पिछला वर्ल्ड रिकॉर्ड। जी हां, आपको बता दें कि आजकल किसी भी महिला की डिलीवरी के समय एक साथ 3 से 4 बच्चों का जन्म होना साधारण सी बात हो गई है, लेकिन क्या आपने कभी सुना है कि किसी महिला ने एक साथ 10 बच्चों को जन्म दिया है? दरअसल साउथ अफ्रीका में कुछ ऐसा ही हुआ है। यहां पर एक महिला ने 10 बच्चों को जन्म देकर सब लोगों को हैरान कर दिया है। जानकारी के मुताबिक 7 जून को 37 साल की गोसियामी धमारा सीटहोल नाम की एक महिला ने एक साथ 10 बच्चों को जन्म देकर एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। महिला की डिलीवरी ऑपरेशन से हुई है, जहां पर उसने 7 लड़कों और 3 लड़कियों को जन्म दिया है। डॉक्टर के मुताबिक सभी स्वस्थ हैं। चीन की बड़ी साजिश बेनकाब, 1.5 महीने में साइबर ठगी से लगाया लोगों को 250 करोड़ रुपए का चूना, 11 आरोपी हुए गिरफ्तार। जी हां, लॉकडाउन में जब लोग अपनी नौकरियां खो रहे थे और अपने घरों में बैठे थे, तब एक उम्मीद की किरण नजर आई। उनको लगा कि अब घर बैठे भी वो पैसे कमा सकते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि यह लालच एक बड़ी साजिश का हिस्सा है जो देश की सरहद से बाहर बैठे दुश्मन ने रची है। दिल्ली पुलिस की साइबर सेल ने ठगों के एक ऐसे ही गैंग का भंडाफोड़ किया है जो देश से बाहर चीन में बैठकर लाखों लोगों को चूना लगा चुके हैं। महज 1.5 महीने में ही चीन के इन चालबाजों ने 5 लाख लोगों की मेहनत की कमाई लूट ली है, और लूट भी कोई छोटी मोटी नहीं, 250 करोड़ रुपए की। दिल्ली पुलिस के साइबर सेल ने 11 लोगों को गिरफ्तार करके ठगी के एक बड़े नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है। दरअसल इस समय देश में ऑनलाइन फ्रॉड बड़ी तेजी से बढ़ा है, इसलिए साइबर सेल भी काफी एक्टिव हो गया है। इस साल की शुरुआत में पुलिस ने 2 चीनी एप्लीकेशन पर एक्शन लिया था। हालांकि इनमें कुछ समय बाद ही पुलिस को जानकारी मिली कि कुछ और चीनी एप्स फिर से एक्टिव हो गए हैं, और जिनसे ठगी के साथ साथ बड़े पैमाने पर देश के लोगों का डेटा भी चोरी किया जा रहा है। मई के दूसरे हफ्ते में पुलिस को पता चला कि पावर बैंक, सून फैक्ट्री और ईजी प्लान नाम की एप्लीकेशंस हैं जो बड़ी तेजी से डाउनलोड हो रही हैं और लोगों का डेटा चोरी करके विदेश भेज रही हैं। इसके बाद तुरंत ही इन एप्लीकेशन का फॉरेंसिक लैब में एनालिसिस किया गया, जिसके बाद सामने आया कि ये ऐप चीन से ऑपरेट हो रही हैं और इनसे लोगों को पैसे इन्वेस्ट कर पैसे कमाने का लालच दिया जा रहा था। हाईकोर्ट ने कहा, कोरोना वायरस के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक करने जैसा रुख अपनाई केंद्र सरकार।
जी हां, बॉम्बे उच्च न्यायालय ने कहा कि कोरोना वायरस से निपटने के लिए केंद्र सरकार का रुख सीमाओं पर अड़े होकर वायरस के आने का इंतजार करने की बजाय सर्जिकल स्ट्राइक करने जैसा होना चाहिए। मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति जीएस कुलकर्णी की एक पीठ ने कहा कि केंद्र सरकार का नया घर के पास यानी नियर टू होम टीकाकरण कार्यक्रम केंद्र तक संक्रमण वाहक के आने का इंतजार करने जैसा है। पेट्रोल अब तक 5.24 रुपए हुआ महंगा, तेल की कीमतों ने तोड़े सारे रिकॉर्ड। जी हां, पेट्रोल और डीजल की कीमतों में ताबड़तोड़ वृद्धि का सिलसिला थमता नहीं दिख रहा है। पिछले महीनों की शुरुआत में खत्म हुए विधानसभा चुनाव के बाद से 22 बार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाए जा चुके हैं, जिसके चलते पेट्रोल 5.24 रुपए महंगा हो गया है। बीते 4 मई से अब तक रुक रुक कर 22 दिनों में ही डीजल के दाम 5.69 रुपए प्रति लीटर तक बढ़ चुके हैं। ट्रेन रिजर्वेशन में 200% से ज्यादा का इजाफा, हो रही है 5 लाख टिकटों की रोज बुकिंग। जी हां, आपको बता दें कि IRCTC के मुताबिक मेल एक्सप्रेस ट्रेनों में एडवांस बुकिंग शुरू होने के पिछले 3 हफ्तों से टिकट की बुकिंग में जबरदस्त इजाफा देखने को मिल रहा है। 3 हफ्ते पहले की तुलना में आज टिकट बुकिंग 200% से ज्यादा है। प्रतिदिन 5 लाख रिजर्वेशन टिकटों की बुकिंग हो रही है। राजस्थान सरकार ने दी किसान मित्र ऊर्जा योजना के प्रारूप को मंजूरी, कृषि उपभोक्ताओं को मिलेंगे साल में 12,000 रुपए। जी हां, राजस्थान सरकार ने मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना के प्रारूप को मंजूरी दे दी है, जिसके तहत कृषि उपभोक्ताओं को हर महीने 1,000 रुपए अनुदान देने का प्रावधान है। एक सरकारी बयान के अनुसार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना के प्रारूप को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा मीटर्ड कृषि उपभोक्ताओं को बिजली के बिल पर प्रति महीने 1,000 रुपए और अधिकतम 12,000 रुपए प्रति वर्ष का अनुदान दिया जाएगा। इसे सरकारी खजाने पर प्रतिवर्ष 1450 करोड़ रुपए का वित्तीय भार आ जाएगा। एम्स के सर्वे में चौंकाने वाला खुलासा, वैक्सीन ट्रायल में शामिल आधे बच्चे पहले ही हो चुके थे कोरोना से संक्रमित। जी हां, एम्स में बच्चों के वैक्सीन को लेकर जब ट्रायल शुरू हुआ तो लोगों के मन में एक अच्छी उम्मीद पैदा हुई। यह उम्मीद इस बात को लेकर थी कि आने वाले दिनों में बच्चों के भविष्य के लिए हथियार के रूप में वैक्सीन कारगर होगा। लेकिन वैक्सीन के लिए जिन बच्चों का चयन किया गया था उनकी जब स्क्रीनिंग हुई तो उसके बाद चौंकाने वाले नतीजे सामने आए। आपको बता दें कि इस ट्रायल में शामिल व्यक्ति का कोरोना टेस्ट पहले किया जाता है ताकि वह पता लगाया जा सके कि वह स्वस्थ है या फिर नहीं। एम्स में बच्चों की स्क्रीनिंग के दौरान यह पता चला कि लगभग 50% बच्चे पहले से ही कोरोना से संक्रमित हैं। किसान आंदोलन के दौरान हो रही मौतों पर राहुल गांधी का तंज, बोले खेत और देश की सुरक्षा में तिल तिल मर रहे हैं अन्नदाता। जी हां, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने किसान आंदोलन से हो रही किसानों की मौत को लेकर एक ट्वीट किया है। उन्होंने ट्वीट कर मोदी सरकार पर तंज भरे लहजे में लिखा कि खेत और देश की सुरक्षा में तिल तिल मर रहे किसान, पर न डर रहे किसान, आज भी खड़े हैं किसान। उन्होंने कहा कि अब तक आंदोलन में 500 से ज़्यादा किसानों की जान जा चुकी है। नेपाल ने बाबा रामदेव के कोरोनिल किट को किया बैन, असर का सबूत नहीं होने का दिया हवाला। जी हां, आपको बता दें कि बाबा रामदेव के कोरोनिल किट को भूटान के बाद अब नेपाल ने भी बैन कर दिया है। बाबा रामदेव का दावा है कि कोरोनिल से कोरोना ठीक हो जाता है, हालांकि बाद में उन्होंने इस बयान को वापस ले लिया था। इसके बावजूद कोरोनिल किट की बिक्री देश विदेश में खूब हो रही है। तेलंगाना राज्य बोर्ड की 12वीं की परीक्षा हुई रद्द। जी हां, कई राज्यों की तरह तेलंगाना राज्य में भी कोरोना संक्रमण की स्थिति को देखते हुए 12वीं कक्षा की परीक्षाएं रद्द कर दी गई हैं। मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की अध्यक्षता में हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में परीक्षाओं को रद्द करने का निर्णय लिया गया है। अब सैटेलाइट से भी पहले चल जाएगा पता चक्रवाती तूफानों का, भारतीय वैज्ञानिकों ने तैयार की नई टेक्नोलॉजी। जी हां, IIT खड़गपुर के वैज्ञानिकों की एक टीम ने भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के सहयोग से जलवायु परिवर्तन कार्यक्रम के तहत एक नई टेक्नोलॉजी तैयार की है, जिसमें AD डिटेक्शन टेक्निक यानी समुद्र में बनने वाले हवा के बवंडर का पता लगाने वाली टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके उत्तरी हिंद महासागर में उष्णकटिबंधीय चक्रवात बनने की स्थिति और उसकी पूर्व चेतावनी दी जा सकती है। आपको बता दें कि इसका पता कम से कम 4 दिन पहले ही लगाया जा सकता है। कांग्रेस को तगड़ा झटका, पूर्व केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद बीजेपी में हुए शामिल।
जी हाँ, बीजेपी ने कांग्रेस के एक और दिग्गज नेता को अपने पाले में कर लिया है। कांग्रेस को बड़ा झटका देते हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल की मौजूदगी में उन्होंने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। बीजेपी में शामिल होने से पहले जितिन प्रसाद ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात की थी। बारबरा जराविका का दावा, क्यूबा जाने की फिराक में था मेहुल चौकसी, कहा मैं उसकी गर्लफ्रेंड नहीं। जी हां, भगोड़े हीरा कारोबारी मेहुल चौकसी की कथित गर्लफ्रेंड बारबरा जराविका ने मेहुल चौकसी को लेकर कई खुलासे किए हैं। बारबरा जराविका ने दावा किया है कि वह मेहुल चौकसी की गर्लफ्रेंड नहीं थी। बारबरा ने यह भी खुलासा किया कि मेहुल चौकसी क्यूबा जाना चाहता था। इसके साथ ही बारबरा ने उन आरोपों से इनकार किया है जिसमें कहा गया था कि वह मेहुल चौकसी के अपहरण में शामिल थी। उसने कहा कि मैं चौकसी की गर्लफ्रेंड नहीं थी, मैं उसे पिछले साल अगस्त से जानती थी। उसने अपना नाम राज बताया था, उसे सभी लोग राज ही कहते थे। एम्स की स्टडी में दावा, कोविशील्ड और कोवैक्सीन लगवाने के बाद भी संक्रमित कर सकता है कोरोना का डेल्टा वेरिएंट। जी हां, कोविड-19 का डेल्टा वेरिएंट कोविशील्ड और कोवैक्सीन की दोनों खुराकें लेने के बाद भी संक्रमित कर सकता है। यह पहली बार भारत में अक्टूबर में पाया गया था। रिपोर्ट के मुताबिक एम्स दिल्ली और नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल के अलग अलग अध्ययनों में यह बात सामने निकल कर आई है। हालांकि इन दोनों ही अध्ययनों में अभी तक समीक्षा नहीं की गई है। एम्स की स्टडी के मुताबिक डेल्टा वेरिएंट ब्रिटेन में पाए गए अल्फा वेरिएंट के मुकाबले 40-50% ज्यादा संक्रामक है। भारत में कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी का यही कारण है। माता पिता के कोविड-19 संक्रमित पाए जाने पर केंद्र सरकार के कर्मचारी को मिलेगा 15 दिनों का स्पेशल कैजुअल लीव। जी हां, आपको बता दें कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों के माता पिता या फिर परिवार का कोई आश्रित सदस्य यदि कोरोना वायरस से संक्रमित पाए जाते हैं तो वे उस स्थिति में 15 दिनों के विशेष आकस्मिक अवकाश यानी कि SCL लेने के पात्र होंगे। कार्मिक मंत्रालय ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। अखिलेश यादव का दावा, 2022 चुनाव के इंतजार में है किसान, बीजेपी को उनकी रत्ती भर भी फिक्र नहीं। जी हां, आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार पर किसानों को परेशान करने का आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी सरकार को किसानों की रत्ती भर भी फिक्र नहीं है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के 4 साल किसानों के लिए विनाशकारी साबित हुए हैं। उन्होंने कहा कि 3 काले कृषि कानून लाकर किसानों को बड़े पूंजी घरानों का आश्रित बना दिया है। न किसान को फसल का दाम मिल रहा है और न ही उसे किए गए वादे पूरे हो रहे हैं। ममता बनर्जी ने किसान नेता राकेश टिकैत के साथ की बैठक, विरोधी दलों को एकजुट होने का किया आह्वान। जी हां, विधानसभा चुनाव के बाद ममता बनर्जी और राकेश टिकैत की अब पहली मुलाकात थी। सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि किसान के आंदोलन को वह पूरा समर्थन करती हैं, विधानसभा में प्रस्ताव लाकर भी उसका समर्थन किया है। शुरुआत से ही हम समर्थन कर रहे हैं, हम 26 दिनों तक किसान की जमीन नहीं लेने के लिए आंदोलन किया था, कानून भी बनाया था कि जबरन जमीन नहीं लेने देंगे। विरोधी दल के सीएम के साथ बातचीत करके वर्चुअल कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं, कोविड समाप्त होने के बाद चर्चा करेंगे। बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी पर और कसा शिकंजा, बेटों के नाम दर्ज करोड़ों रुपए की संपत्ति हुई कुर्क। जी हां, उत्तर प्रदेश के मऊ जिला प्रशासन ने जेल में बंद बसपा के बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी के बेटों के नाम दर्ज 24 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क कर ली है। गुजरात विधानसभा ने की सदन की कार्यवाही के सीधे प्रसारण पर रोक की मांग, हाईकोर्ट ने किया विरोध। जी हां, गुजरात विधानसभा की कार्यवाही का सीधा प्रसारण और अन्य दस्तावेज ऑनलाइन उपलब्ध कराने की मांग कराने वाली जनहित याचिका का राज्य सचिवालय ने हाईकोर्ट में विरोध किया है। सचिवालय का तर्क है कि कौन सी जानकारी प्रकाशित या प्रसारित करने के लिहाज से उपयुक्त है, इस बारे में फैसला करने का अधिकार विधानसभा का है। नए टीकाकरण नीति पर बोली सीएम ममता बनर्जी, कहा मुफ्त वैक्सीन का पीएम मोदी को क्यों मिले श्रेय, राज्यों से दुर्व्यवहार पर बने यूनियन। जी हां, तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी ने कहा कि ये क्या चल रहा है, वैक्सीनेशन के लिए क्रेडिट लेने की प्रधानमंत्री को कोई आवश्यकता नहीं है, ये पैसे देश के लोगों के हैं ना कि बीजेपी के। मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर ये जनता के पैसे हैं तो फिर लोगों को वैक्सीन पहले ही क्यों नहीं लगी। ममता ने कहा कि 35,000 करोड़ रुपए जनता को वैक्सीन देने के लिए था, वो रुपया कहाँ गया, ये सवाल तो सुप्रीम कोर्ट ने किया है। अब हम अगले 24 घंटों के दौरान देश भर के संभावित मौसम पूर्वानुमान के बारे में बता रहे हैं।
अगले 24 घंटों के दौरान अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, गंगीय पश्चिम बंगाल, ओडिशा के कुछ हिस्सों, कोंकण और गोवा और तेलंगाना के कुछ हिस्सों में मध्यम से भारी बारिश हो सकती है। पूर्वोत्तर भारत, उप हिमालय पश्चिम बंगाल, सिक्किम, छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों, दक्षिण पूर्वी मध्य प्रदेश, विदर्भ, मराठवाड़ा और तटीय कर्नाटक में हल्की से मध्यम बारिश के साथ एक दो स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। झारखंड के आंतरिक भागों, कर्नाटक, बिहार और केरल रायलसीमा, दक्षिण गुजरात, तमिलनाडु के अलग अलग हिस्सों और तटीय आंध्र प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है।